अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी खबरों के साथ साथ कुवैत और इंडिया से भी एक जरूरी अपडेट आई है जो आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग किसी को सी ऑफ करने जाते हैं, किसी को विदाई करने के लिए एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते हैं, तो एक छोटी सी गलती की वजह से जो है FIR हो सकता है आप लोगों के ऊपर। दिल्ली से ये है अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कुवैत में अगर आप लोग हैं तो कुवैत में जा रहे जितने भी घरेलू वर्कर हैं उनके लिए जरूरी और खतरनाक अपडेट आया हुआ है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि वो कानून में जो है बदलाव किया गया है वहां पे घरेलू वर्कर के। और सऊदी अरब के सारे एयरपोर्ट्स पे जो है एक सुविधा शुरू हो रही है जिसका फायदा जो है आप चाहे तो उठा सकते हैं। और भी सऊदी अरब की जरूरी खबरें रहेंगी, ड्राइवर लोगों के रिगार्डिंग भी खबरें रहेंगी, वो सारी खबरें आप लोगों से इसमें जो है वीडियो में शेयर करूंगा। शुरू से आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरा अपडेट, पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो कुवैत से है। कुवैत में जो है भारतीय जो कामगार हैं वो उनकी तादाद जो है नंबर वन पे है, मतलब जो विदेशी कामगार कुवैत में काम करते हैं सबसे ज्यादा जो है इंडियन वर्कर है वहां पे। तो अब उसमें जो है घरेलू कामगार जो होते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर ड्राइवर हाउस बॉय वगैरह होते हैं, वो लोग की तादाद भी वहां पे काफी ज्यादा है और उनके लिए जो है नया कानून आया है। बताया जा रहा है कि लगभग 44% 100% में 44% घरेलू वर्कर जो है वो इंडिया से हैं, तो इसका इफेक्ट इंडियंस पे जरूर पड़ेगा। ये बदलाव किया गया है घरेलू वर्कर के हायरिंग में। तो अगर कोई भी घरेलू वर्कर काम करने जाता है कुवैत में और उसका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए वो जो है वहां से आना चाहता है, तो अब कानून में बदलाव हो गया है। यानी अब जो आपका कफिल है, जो कुवैती है आपको बुलाया है, तो जितना उसका खर्चा हुआ है वो पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा उसको, तब वो आपको छोड़ेगा, वो आपको जाने देगा। ये कानूनन वहां पे एक कानून बना दिया गया है, ला दिया गया है। अब वो जो है आप चाहे डायरेक्ट वहां पे गए हो या फिर कुवैत में बहुत सारे जो है एजेंट लोगों की एजेंसी है वो लोग बुलाते हैं और सप्लाई करते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे कफिल को पूरा हर्जाना देना पड़ेगा उस बंदे के द्वारा जो वर्कर गया है या फिर उस एजेंसी के द्वारा। दोस्तों अगला जो अपडेट है, लोग जो है ना कोई भी आदमी अपना जाता है विदेश तो लोग एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जरूर जाते हैं। अब इसमें लोगों के दिलों में एक ये चीज होता है कि यार एयरपोर्ट तक तो छोड़ दिए, बाहर तक छोड़ के टाटा बाय कर दिए, वो अंदर चला गया, बस इतना ही है, तो फायदा क्या इसमें किसी को छोड़ने जाने में। अब इसी में जो है एक नए आदमी ने काला कांडी करने का कोशिश किया और उसके ऊपर FIR हो गया। वो किसी अपने जानने वाले को छोड़ने गया एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, वो विदेश जा रहा था, तो अब इसको भी जो है एयरपोर्ट के अंदर तक जाना था। अब ये अलाउड नहीं होता है कि कोई भी गेट के अंदर चला जाए, जिसके पास वैलिड टिकट होता है, पासपोर्ट होता है, वीजा होता है, वही लोग जो है अंदर जा सकते हैं। अब उस स्थिति में इसने जो है फेक डॉक्यूमेंट बनाया, यानी फेक टिकट बनाया, नकली टिकट बनाया और अपना डॉक्यूमेंट लिया और अंदर एंट्री कर लिया। एंट्री तो कर लिया टर्मिनल पे, गेट से एंट्री हो गई, क्योंकि लोग टिकट देखते हैं, वो लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, एंट्री हो गई। इसने दिमाग लगाया, फिर अंदर चला गया। अब अंदर से बाहर कैसे आए? अंदर से बाहर आने के लिए भैया आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे क्यों आप गए थे, क्या आए। फिर ये भाई साहब को बिठा लिया, पता चला कि नकली जो है इनका जो है टिकट था, और ये खाली टिकट बताया इन्होंने कि मैं इसके लिए गया था कि मैं अंदर तक देखूं, अपने दोस्त को छोड़ूं और अंदर तक का माहौल जरा देख लूं, तो इसके वजह से मैं अंदर तक गया था। तो भाई साहब को फिर वहीं से FIR दर्ज करके अब जेल में डाला गया, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो ऐसा जो लोग भी सोचते हैं ना कुछ काला कांडी करने का, तो मत करिएगा। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो सऊदी अरब के सभी एयरपोर्ट पे जो है एक सुविधा का शुरुआत हुआ है। इस सेवा का नाम है बैग फ्री यात्रा, ट्रेवलर विदाउट बैग। अब आप सोच रहे होंगे भाई बिना बैग के हम कैसे यात्रा करेंगे, ये डोमेस्टिक चाहे यात्री हो चाहे इंटरनेशनल यात्री हो सबके पे एप्लीकेबल है। एक कंपनी है मटराट होल्डिंग कंपनी, जो जितने भी एयरपोर्ट है सऊदी अरब में सबका देख रेख का, मेंटेनेंस का वहां पे इसका बहुत सारा वहां पे काम है। तो इसने एक और सुविधा शुरू कर दिया है कि अगर आपको अपने घर पे जाना है या कहीं भी जाना है, आपके पास लगेज है, सामान है, तो बिना सामान के जो है आप एयरपोर्ट जाइए, आपका सामान ले जाने का जो जिम्मा है वो हमारा है, यानी वो आपके घर तक जाएगा। आप जब बुकिंग करेंगे तो आपके घर पे जाएगा और आपका पूरा सामान जो है वहीं से वजन वगैरह करके हैं भाई ये सही है, और फिर वो लेके आएगा और आपको सीधा वो लगेज में कर देगा, डाल देगा, वो आपकी जिम्मेदारी खत्म। इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा आप लोगों का, आप वहां पहुंचेंगे, फिर आपका बोर्डिंग हो, आप जाके बैठ गए, आपका सामान ऑलरेडी लगेज में है, फिर आप जहां पे भी जा रहे हैं वहां उतरेंगे, आपका सामान वहां पे मिल जाएगा। इसके कुछ चार्ज भी होंगे और ये बेसिकली किया जा रहा है कि थोड़ा टाइम बचाया जाए लोगों का और सुविधा दी जाए, लेकिन जो चार्ज होंगे तो जो चार्जेबल चीजें होती हैं, तो जो हमारे और आप जैसे लोग हैं वो लोग यही सोचेंगे भैया हम भले ही 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सुविधा लेने के लिए और पैसे देने हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बाकी आप लोग इस सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं, बहुत लोग इसका लाभ तो उठाएंगे ही,
जरूर बताइए कमेंट करके। दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में काम करने वाले जो वर्कर है 100% में 40% जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 40% के करीब जो है खाली औरतें हैं, यानी औरतों की तादाद वहां पे काम करने वाले में काफी ज्यादा है। और ये नहीं कि खाली सऊदी औरतें हैं, विदेशी औरतें भी हैं वहां पे। सऊदी औरतों का लगभग जो उसमें बताया जा रहा है कि लगभग जो पूरी औरतें जो काम करती हैं प्राइवेट सेक्टर में उसमें 12,80,000 और कुछ है जो लोग काम करती हैं औरतें। अब उसमें से 9,35,000 खाली सऊदी नागरिक है, सऊदी औरतें हैं, और 3,34,000 समथिंग जो है वो है विदेशी औरतें जो सऊदी अरब में काम करती है। यानी प्राइवेट सेक्टर में वो आप देख सकते हैं कि जो औरतों का बरसात जो है वो काफी ज्यादा पहले से बढ़ गया है आज के डेट में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 40% मायने रखता है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये 50-50 हो जाए, आधा मर्द आधा औरत, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आधे के करीब एकदम पहुंच गई हैं औरतें। दोस्तों सऊदी अरब में मदीना शरीफ में जो मस्जिद नबवी है उसके आसपास के एरिया में इस्लामिक सभ्यता गांव वहां पे बसाया जाएगा, इस्लामिक कल्चरल सिटी विलेज जो होते हैं वो विलेज टाइप के बसाए जाएंगे। और ये नहीं कि खाली सऊदी कल्चर जो है उसका भी गांव बसाया जाएगा, इस्लामिक कल्चर मतलब कि हर देश के जो देश चाहे अफ्रीकन हो या फिर एशियाई देश हो वहां के इस्लामिक कल्चर क्या है उस तरह के विलेज वहां पे बसाए जाएंगे। सऊदी का इस्लामिक कल्चर क्या है वैसे विलेज बसाए जाएंगे पुराने ये में, वहां पे उसकी दुकानें भी रिटेल की दुकानें भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, होटल खुलेंगे, सब जो पहले चीजें होती थी वैसा। और ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत जल्दी ये होने वाला है। तो ये जब होगा तो जो लोग भी मदीना जाने वाले मतलब उमरा करने के लिए जो मदीना जाते हैं या घूमने के लिए जो मदीना में जाते हैं उन लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा कि ये जगह भी वो लोग देखेंगे और इससे भी रूबरू होंगे कि इस्लामिक कल्चर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो है वो सऊदी अरब के मदीना शहर में कैसे है। दोस्तों सऊदी अरब के नजरान रीजन में एक दुकानदार और उसके दुकान के जो मालिक है जो जनरल स्टोर था उसके मालिक दोनों के ऊपर कार्रवाई किया गया है। और ये दोनों के ऊपर इल्जाम ये है कि इन लोग जो है ना एक्सपायर प्रोडक्ट एक्सपायर सामान वगैरह बेच रहे थे। तो ये जब जनरल कोर्ट में मामला गया नजरान के तो इनके ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया गया। जिन लोगों ने इनके ऊपर मुकदमा किया था उन लोगों ने बोला कि इनको जो है जेल भी होए, लेकिन कोर्ट ने बोला कि दुकान को जो है सील कर किया जा सकता है, बाकी इनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, ये प्रावधान है। तो इन दोनों के ऊपर ये चीजें हुई। दोस्तों सऊदी अरब के जीजान एयरपोर्ट पे जो है एक यमनी नागरिक को अरेस्ट किया गया। दरअसल ये यमनी नागरिक अपना जो है आइडेंटिटी बदल के यानी दूसरे के आइडेंटिटी पे सऊदी अरब में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था नकली डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के। ऐसा बहुत लोग करते हैं लेकिन अब जमाना बदल गया है। अगर आप जो है बहुत ज्यादा जो चीजें आगे बढ़ जाती हैं बहुत लोग सोचते हैं भाई अब हम कर लेंगे ऐसा, तो वो चीज लोग भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से। दोस्तों अगला जो खबर है वो नेशनल सेंटर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से लोगों ने लोगों को बताया है कि अगर आप ड्राइवर हैं कंस्ट्रक्शन के जो मतलब वेस्ट होते हैं या फिर रेनोवेशन के जो वेस्ट होते हैं किसी भी तरह का कचरा आप ले आके किसी दूसरे के जमीन पे डाल देते हैं या फिर पब्लिक जो जमीनें हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है पब्लिक प्लेसेज है वहां पे आप जाके जो है उस सामान को डंप कर देते हैं कचरे को फेंक देते हैं तो इस केस में जो है आपके ऊपर 1,00,000 रियाल तक का फाइन लग सकता है। जो जगह बनाया गया है डेजिग्नेटेड है कि भैया ये सामान को ये कचरे को यहाँ फेंकना है वहीं आपको फेंकना है। दोस्तों वीडियो के आखिर में ड्राइवर लोग के लिए एक जरूरी अपडेट आई है जो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यानी मुरूर की तरफ से जो है बताया गया है कि ये खतरनाक वायलेशन है। कौन सा? अगर गाड़ियां लगातार जो है लाइन से चल रही हैं फोटो में आप देख सकते हैं और उस गाड़ियों के बीच में अगर आप हैं और आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है उसको डॉजिंग बोलते हैं। गाड़ियों के बीच में जो है हाई स्पीड में गाड़ी देके कट मार के आगे निकलने की कोशिश करना उसको डॉजिंग बोलते हैं। यह वायलेशन है और सीरियस वायलेशन है। ऐसा करते हुए कोई भी ड्राइवर अगर कैमरे की नजर में आया या मुरूर की नजर में आया तो 3,000 से लेके मैक्सिमम 6,000 रियाल तक का फाइन लग सकता है। तो जो ड्राइवर साहब लोग भी हैं तो जरा जल्दीबाजी न करें। मुझे मालूम है गैरमुल की जो भी ड्राइवर होते हैं वो लोग इतनी जल्दीबाजी नहीं करते हैं लेकिन सऊदी नागरिक तो करते ही हैं। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।